हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेवेनवा इंडस्ट्री लिमिटेड का जो आईपीओ आने जा रहा है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये आईपीओ आपका 23 फरवरी यानी ट्यूसडे को आने जा रहा है। तो आगे हम इस वीडियो में इस आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम हेवेनवा आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करके बताएंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिलेगा वो हम ग्रे मार्केट यानी डब्बा बाजार में इसका कैसा डिमांड है और इसका ग्रे मार्केट प्राइस या प्रीमियम कितना है उसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ सही है या नहीं है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर आईपीओ को लेके इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अब हम आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट equity2commodity.in को ओपन करते हैं और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही आपको हेवेनवा आईपीओ दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इन सारे डिटेल्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो हेवेनवा इंडस्ट्री गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये आपका केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की कंपनी है जो कि आपका पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये मैन्युफैक्चर करती है। तो देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसमें पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है और अदर पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट भी ये मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दिए गए वो सारे देख सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट इसके स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसके स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें तो ये काफी वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स जिसमें ये बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स ये मैन्युफैक्चर करती है। इसका जो डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल रीच भी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी बेहतरीन और काफी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और कस्टमर बेस की बात करें इसके पास लार्ज कस्टमर बेस भी है और मैनेजमेंट और प्रमोटर्स टीम की बात करें तो वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। तो स्ट्रेंथ वाइज ये काफी बेहतरीन है और इसका स्ट्रेंथ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब हम इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका जो टॉप 10 कस्टमर्स है उससे सिर्फ इसका 20.85% ऑफ सेल्स ही आता है। बेसिकली इसका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कोई लार्ज कस्टमर्स नहीं है, सारे स्मॉल कस्टमर्स है और जो स्मॉल कस्टमर्स रहते हैं वहां पे अनसर्टेनिटी बना रहता है। तो यहाँ पे इसके साथ अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड बना हुआ है जो कि इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में और उसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका रॉ मटेरियल्स काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंपनी के टोटल एक्सपेंस में, मतलब टोटल एक्सपेंस में रॉ मटेरियल का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और रॉ मटेरियल का प्राइस अगर इंक्रीज करता है या फिर उसका सप्लाई डिक्रीज करता है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट इसके बिजनेस पे देखने को मिल सकता है। तीसरा बहुत काफी इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि इसका जो मेनली एक्सपोर्ट होता है ओवरसीज उसमें चाइना का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी चाइना में ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और अभी इंडिया चाइना का रिलेशन वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, काफी ज्यादा टेंस भरा हुआ है। रिलेशनशिप अगर और खराब होता है और चाइना अगर अपने यहाँ इम्पोर्ट बैन करता है इंडिया से तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है। ये तीनों रिस्क फैक्टर आपको ध्यान में रखने होंगे अगर आप इस आईपीओ के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो है लेकिन उतना कोई सीरियस वाला रिस्क फैक्टर नहीं है। एक जो चाइना के साथ है वो थोड़ा सा सीरियस वाला रिस्क फैक्टर है लेकिन वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। अब हम इसके आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आईपीओ 23 फरवरी यानी ट्यूजडे से ओपन होने जा रहा है और क्लोज होगा 25 फरवरी 2021। प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो है 626 रुपीज से लेके 627 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 23 शेयर्स एंड इन मल्टीपल ऑफ 23 शेयर्स। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14,421 रुपीज और अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,87,473 रुपीज। यहाँ पे अगर आप आईपीओ की साइज की बात करें तो ये 625.24 करोड़ का आईपीओ है जिसमें 60 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 565.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी इस आईपीओ से सिर्फ 60 करोड़ ही कंपनी के पास जाएगा, बाकी 565.24 करोड़ जो लोग शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। और इस आईपीओ में भी 35% का रिटेल एलोकेशन रखा गया है, एम्प्लॉय और रिटेल के लिए कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है।
अब हम यहाँ पे इसके आईपीओ टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो 2 मार्च को इसका अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन है और उसके बाद आप 3 मार्च से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 मार्च को आपको रिफंड भी मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 4 मार्च को ये शेयर्स आपके डीमेट में आ जाएगा। और इसका लिस्टिंग बहुत एनएससी और बीएससी पे हो रहा है और लिस्टिंग डेट है 5 मार्च 2021, यानी 5 मार्च से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा और 5 मार्च से आप इसके शेयर्स को मार्केट प्राइस से बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू FY19 में तो काफी ठीक ठाक था, लेकिन FY20 में ये डिक्रीज किया है, और वापस से फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 की बात करें तो ये अच्छा खासा दिख रहा है, और अगर आप इसका डबल भी कर दें तो FY19 से बेहतर दिख रहा है। तो टोटल एक्सपेंस भी सेम वैसा ही डिक्रीज हुआ है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम देख सकते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज ही किया है, फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 में काफी बेहतरीन है, अगर इसी रेट से आगे बढ़ता है तो वो FY19 और 20 से काफी बेहतर रहेगा। नेट मार्जिन की बात करें वो भी अच्छा खासा है, तो फाइनेंशियल्स इसका ठीक ठाक है, फाइनेंशियल्स को आप इसमें गुड बोल सकते हैं, इसके फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका FY20 उतना बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन नेट इनकम और नेट मार्जिन के लिहाज से ये ईयर भी काफी अच्छा था। अब हम इसके वैल्यूएशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका फेस वैल्यू है ₹10, अर्निंग पर शेयर्स FY20 की बात करें तो है ₹25 का, पीई रेशियो है ₹25 के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें वह 30.47% जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और नेट एसेट वैल्यू है ₹82.15 पर शेयर्स, ये भी काफी अच्छा है। तो वैल्यूएशंस तो काफी ठीक ठाक है। अब हम इसके जो प्राइस बैंड है उससे नेट एसेट वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। तो इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है आपका ₹627 का। तो अगर हम यहाँ पे 627 डिवाइडेड बाय 82 करते हैं तो ये आपका 7 टाइम्स से स्लाइटली ज्यादा होता है। तो नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करें इसका प्राइस बैंड 7 टाइम्स के करीब है। वहीं अगर हम इसके वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स को देखें ये हमें ठीक ठाक लग रहा है, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव आईपीओ नहीं है, इसको हम फेयर वैल्यूड आईपीओ बोल सकते हैं। ये आईपीओ आपको उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये आईपीओ उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो क्या ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेंस देने जा रहा है, और इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका पियर्स कंपनी के साथ कंपैरिजन देख लेते हैं, तो वहां से हमें काफी क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम इसके पियर्स कंपनी से कंपैरिजन करते हैं। तो इसका फेस वैल्यू ₹10 जो कि नॉर्मल रहता है, और पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो है 25 के करीब। तो अगर आप इसके पियर्स कंपनी से कंपैरिजन करें तो इसका पी रेशियो भी ठीक ठाक है, ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर्स भी वो भी काफी बेहतरीन है, सिर्फ एक भारत रसायन लिमिटेड से कम है, बाकी सारे पियर्स कंपनी से इसका ईपीएस काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें उसमें ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी पियर्स कंपनी से बेहतरीन है। नेट एसेट वैल्यू भी काफी ठीक ठाक है। तो अगर आप इसके पियर्स कंपनी से भी कंपैरिजन करते हैं ये आईपीओ हमें एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, ये आईपीओ भी हमें फेयर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि ये पियर्स कंपनी के काफी टक्कर की कंपनी है। वहीं अब हम देखते हैं कि इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, लिस्टिंग गेंस वाले को इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना, उसके लिए हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्राइस या प्रीमियम को देख सकते हैं, और देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्राइस या प्रीमियम डेली अपडेट होता है, तो डेली आप हमारे वेबसाइट equity2community.in पे विजिट करके ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 3 to 4 डेज से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कॉन्स्टेंट है ₹225 पर शेयर्स का। तो इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इंटू लॉट साइज कर दे, इसका लॉट साइज है 23, तो 225 into 23 कर दे, ये आईपीओ आपको 5000 के करीब लिस्टिंग गेंस देता हुआ दिख रहा है एज ऑन 20 फरवरी 2021। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये आईपीओ आपको 4000 से 8000 के करीब प्रॉफिट दे सकता है एज ए लिस्टिंग गेंस, जो कि काफी बेहतरीन है। और इस आईपीओ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भी आपका 30% के करीब लिस्टिंग गेंस देगा और 30% के प्रीमियम पे लिस्ट होगा। और किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है आपका 627 का, उसमें आप यहाँ पे 225 ऐड कर दे, तो ये होता आपका 852 के करीब। तो ये आपका 852 के करीब लिस्ट हो सकता है एज ऑन 20 फरवरी 2021। अगर आप इसके लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 700 से लेके 900 के बीच में किसी भी प्राइस पे मार्केट में लिस्ट हो सकता है। इसका
प्रोबेबल लिस्टिंग प्राइस 700 टू 900 के बीच में किसी भी प्राइस पे हो सकता है। 700 से बिलो होने के चांसेस कम है और अपसाइड में 900 से ऊपर भी लिस्टिंग होने के चांसेस कम है। तो लिस्टिंग गेंस के लिहाज से ये काफी बेहतरीन है और लिस्टिंग गेंस वाले इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आपको काफी बेहतरीन लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग टर्म में इस आईपीओ के लिए क्या करना है? तो लॉन्ग टर्म में आप एक चीज पे और गौर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके डेब्ट पे। तो अगर आप इसके डेब्ट के ऊपर बात करें तो डेब्ट इसका 38 करोड़ के करीब है और इसका जो वैल्यूएशन है वो है आपका 380 करोड़ के करीब। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो उतना ज्यादा नहीं है और जो भी डेब्ट है वो काफी मैनेजेबल डेब्ट है। इससे भी हमें काफी अच्छा लग रहा है और लॉन्ग टर्म में भी ये काफी बेहतरीन है और आप इस सेक्टर की कंपनी में अप्लाई करके बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और एनुअली आपका 10-15% का रिटर्न जरूर दे देगा। तो जो बैंक से रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा यहां से आपको रिटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस दोनों लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आप इन सारा डेटा को देख के अपना पर्सनल ओपिनियन भी बना सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना या फिर अवॉइड करना। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस आईपीओ में आपको क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।